अलमेक दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ थ्री वीडियोज़ देर आई एम मेकिंग सेकेंड वीडियो पिछले वीडियो में हमने बात की कि कहाँ गए सेठ साहब कहाँ गए कभी खुशी कभी हम <laughs> लेकिन अब हम बात करेंगे कि आज कहाँ पर हैं सेठ साहब um, <coughs> आज थोड़ी तबियत भी खराब है तबियत मेरी दो हफ्ते से ख़राब है दैट्सो एन अदर अपडेट स्ट्रेप है Unfortunately, I'm not going to be editing these, so you guys will have to see me drink pani and everything or khansna vasna, sabkuch. But aaj uh, Today, as of now, you know, in the past month, in the next month, jo ho I am producing a short film. Um, and a short film ki jo pitch uh, deck hai, link available hai. If you're interested to know what it's about, I'd love you to know what it's about. Um, वो शॉर्ट फिल्म बेसिकली बन रही है सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए प्राइमेरिली फिल्म फेस्टिवल्स के लिए एज अ फिल्म मेकर इट्स रियली फिल्म फेस्टिवल्स जीतना या फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट होना इट्स इट्स अ वेरी प्रस्टिजियस थिंग और uh, मुझे लगता है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है स्क्रीन प्ले जो मैंने लिखा है ऑबियसली um, बहुत सारे लोगों के प्रस्पेक्टिवस के साथ um, I think it's film festival worthy. So I've put together a team. Uh just made director hai Muni Badil. Uh just DP hai um Rabi Ahmad Khan. Uh, they're all, all people that have worked in the industry. Kazi Akbar, you know, Kya Kahega Kazi if you have seen. He's the creative head. I'm producing it. Um, and there's so many more people on it. Hassan Pardela, he's in the producer team with me. Um and, and you know, th th there's a whole team that is, that uh, you know, that has been assembled for this. Or uh, pitch deck niche, you guys can take a look at it once again to see what it is, what is it about, so that you guys idea. Instagram, share thi, if you've seen it on Instagram, you know what it's about, but if you don't know right now, um, after the video, you can see the pitch deck. But Sari whole story right now I'm creating a short film, which is being Instagram I talked or this on Instagram क्राउड फंडिंग के लिए आई नीड वन लैख रुपीज़ अच्छी पैमाने पे या एक एवरेज पैमाने पे अच्छा पैमाना तो अ लॉट ऑफ मनी इन द फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड लेकिन एक ऐसा पैमाने पे जिस पर ये फिल्म बन जाए ये स्क्रीन प्ले बन जाए आई नीड वन लाख और इस चीज़ की मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ एंड क्राउड फंडिंग में फिफ्टी पैसे जमा हो चुके हैं दैट्स फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ and i need 50,000 more i only have i believe 16 yes, 17 days so obviously if you are willing to crowdfund pitch deck you guys can see the pitch deck of what the story is about uh, what the team is and you guys know me as a content creator i a web series so you know my abilities as well um, you guys may or may not know i Nizam, a web series in unilever i worked with them as an art director उनकी वेब सीरीज थी अंडर दी ऑफ कवल अहमद नेटवर्क एंड आई यू नो लाइक दिस इज व आई मेन राइट नाउ इन द फिल्म इंडस्ट्री लाइन किस लाइन में आ गए आप फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में फिल्म मेकिंग की लाइन में बट या आई रियली वॉन्ट टू क्राउड फंड दिस शॉर्ट फिल्म मेरे पास चौदह दिन है एंड इफ यू गैज यर विलिंग टू क्राउड फंड द शॉर्ट फिल्म हज़ार रुपये इज़ वट यू कैन क्राउड फंड और आप लोगों को बेसिकली हुवर इज गन ए क्राउड फंड हज़ार रुपये इज़ गने गेट टू वॉच द मूवी इन प्राइवेट स्क्रीनिंग्स क्योंकि ये जो फिल्म होगी शॉर्ट फिल्म ये रिलीज़ नहीं होगी फिर फिल्म होने के बाद फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी फिर एक साल में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जब जाएगी तो उसके रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के बाद फिर ये पब्लिकली अवेलेबल होगी तो हुएवर इज गेट टू क्राउड फंड मिनिमम हज़ार रुपये यू कैन ऑब्वियसली फंड मोर देन हज़ार रुपये लेकिन मिनिमम हज़ार रुपये यू विल गेट द प्रिवलेज टू वॉच इट इन प्राइवेट स्क्रीन इन ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए um, तो दैट्स फर आई एम एड राइट नाउ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन टू यू नो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स पीपल एवरीवेयर इफ़ यू लव माई वर्क इफ इफ यू नो आई हैव दबिलिटी टू डू सम थिंग द टीम दर हैदर हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग प्लीज डू क्राउड फंड आई लव टू हैव दैट एंड होपफफुली एक लाख हो जाए पूरे अगले बारह चौदह दिन में ताकि दिसंबर में मेरा इरादा इस चीज़ को शूट कर लूँ मैं बटिया दैट्स वेड आई मेड राइट नाउ एज ऑफ नाउ उस कहानी का नाम तो मैंने बताया नहीं माशरा है माशरा है इस पूरी फिल्म का नाम बटिया माशरा नीड्स क्राउड फंडिंग माशरा नीड्स योर हेल्प एंड इफ यू ट्रस्ट दिच टैक इफ यू ट्रस्ट मी देन होप फली वी कैन गेट योर फंड यू कैन फंड थ्रू ईजी पैसा जैस कैश पेटी ऑन बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए यू हैव टू परसनली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक या इवन ई मेल आई प्रिफर इंस्टाग्राम क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ तो मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स दे दूँगा एंड आई विल लॉक योर सीट फ्रो द प्राइवेट स्क्रीनिंग एज़ वेल इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी uh, ये होगी कि आपके पैसे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो पैसे जमा होंगे पचास हज़ार रुपये अब तक जमा हो गए पचास हज़ार रुपये और जमा होंगे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसका ब्रेक डाउन एक्सल शीट ऑनलाइन अवेलेबल हो ये मेरी पूरी कोशिश होगी <laughs> ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए uh, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन uh, गैप रहे अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ मूवी जो क्रिएटिवली इन्वेस्ट करें जिसका आपको पता है दर इज़ नो रिटर्न इट्स बेसिकली बाइंग टिकट फॉर अ मूवी जो आप प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखने के लिए आएंगे um, Uh, you should know where the money is going i believe that and i'll try my best to do it i'm not making any promises koe oh, again i'll try my best i'll do what i can as a producer and as a writer and as someone who is curating this thing and trying to make it possible um, more importantly for people who want to fund it from overseas merikoschi uh, private links just map log i don't think you'll be able to download it as well क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू बी लीड क्योंकि फिर वो फिल्म फेस्टिवल से डिसकॉलीफाई हो जाएगी um, ये डर तो ऑब्वियसली मुझे है तो मैं कोशिश मेरी पूरी यही है कि आप लोगों को जो ओवरसीज से लोग हैं उनको प्राइवेट लिंक्स मिलें जिसमें वो देख सकें बट हुए इज़ अवेलेबल इन कराची यू आर मोर देन वेलकम टू कम आई प्रव यूर सीट फॉर द प्राइवेट स्क्रीनिंग कहाँ ये प्राइवेट स्क्रीनिंग होगी ये मैं बाद में देखूँगा अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं देखूँ लिटरली द रीज़न वाई दिस वीडियो इज़ नॉट बींग एडिटेज बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस टू एडिटेड मेरे पास टाइम ही नहीं है um, मैं ये वीडियोज बनाना चाह रहा था पिछले एक हफ्ते से अभी मुझे मौका मिला है क्योंकि मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई है और उस जो मुझे दो तीन घंटे मिले हैं उसमें आई वॉज लाइक दिस इज़ एट ये बना देना है और ये वीडियो बस एक दफ़ा बन जाएगी तो रिलीज़ हो जाएगी इन शह तो देट्स इन माई माइंड एंड दैट्स वाई दिस आई डोंट हैव द टाइम डू अल ऑफ थिंग्स लेकिन आई टेक केयर ऑफ इट कल ऑडिशन्स हैं दुआ गड्ढा कि हमें सारे कैरेक्टर्स मिल जाए सारे एक्टर्स मिल जाए होपफुली हाँ एंड लेट्स होप द शॉर्ट फिल्म गो इज वेल विश मी गुड लक विश टीम माशरा गुड लक दैट्स नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म हाँ आई थिंक दैट्स वेर आई एम राइट नाउ इस चीज़ पर ज़्यादातर मेरा ध्यान है uh i literally like I, i'm so focused in this case i had to turn down turn down um a feature film bade parde film so yeah that's how committed i am to this project <laughs> ek insaan a feature film jo start off career in the film industry feature film us that's a big thing and i don't know if it's unfortunately or fortunately but i had to turn that down and I'm happy with my decision and I'm at peace with my decision, but that happened and I want you to know that because You should know that <laughs> And you should know where I am right now, and you should know how committed I am to this project and hopefully everything goes well Inshallah But yeah, let's hope we can get the crowdfunding of this short film to 1 lakh rupees in the next 12-14 और लेट्स होप वी कैन गेट दिस प्रोजेक्ट ऑफ द ग्राउंड इनशाला इन दिसंबर एंड होपफुली वी कैन गेट इट डन बट दैट्स वर आई एम राइट नाउ दूसरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वेयर आर यू राइट नाउ आई जस्ट बर्ब यह भी मैं कट आउट नहीं कर सकता बटिया दैट्स वर आई एम राइट नाउ और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वेयर आई एम मतलब ये चैनल सेट्स आपका किस डरेक्शन में जा रहा है या लेट्स टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट अभी मैं ये वीडियो बन कर रहा हूँ ठीक है दूसरा हिस्सा पूरा हो गया थैंक यू फॉर स्टेइंग टिलयर अगर आप पिछली वीडियो देख के अब तक यहाँ आएँ तो थैंक यू फॉर स्टेइंग अप टिलयर अगर आप पिछली वीडियो देख के ऐसी रैंडमली आ गए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो वॉच द पिछली वीडियो ताकि डॉट्स कनेक्ट हो जाए आपके यहाँ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिकाफ़